तो गाइज ये कबूतर आज टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ये मोहर लग रही है आज टूर्नामेंट में। तो गाइज आपको ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। 10 में से 1 कबूतर बाज ले गया है। तो ये मेरे को मोहर लग गई है और मैं भी उड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर लिया। ठीक है, चलिए जो जीतेगा भाई को ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। बहुत बढ़िया। तुम्हारा एक कलसरा उड़ रहा था, वो कहाँ गया? मेरा आने से फायदा हुआ या नहीं हुआ? हमारे लिए हेलो जनता, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है बनता। आप सभी लोगों का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल राहुल राजोरा ब्लॉग में। और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी हर एक वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जनता, ताकि मैं हर एक कंटेंट बहुत अच्छे से बना पाऊँ, वो भी आप लोगों के लिए। तो जनता आज का जो ब्लॉग है वो बहुत यूनिक होने वाला है। तो आज का जो ब्लॉग है वो है एक पीजन टूर्नामेंट का। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि पीजन टूर्नामेंट में क्या क्या होने वाला है। मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है, तो देखते हैं क्या होता है वहाँ पे जाके टूर्नामेंट में। मेरे को तो पता ही नहीं है, बट आज मैं फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। तो आप लोगों को भी फर्स्ट टाइम ही, आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं। तो देखते हैं क्या होता है टूर्नामेंट में। तो मेरे एक भैया हैं आशीष भैया, जिनके यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे पीजन टूर्नामेंट हो रहा है, तो अपने ब्लॉग में कवर करना है तो कर ले। तो मैंने बोला ठीक है भैया, यूनिक आइडिया है, चलो देखते हैं। और आप लोगों का भी एंटरटेनमेंट जोन बन जाएगा। तो मैं देखता हूँ आज क्या क्या आपके लिए कवर कर सकता हूँ। तो गाइस सुबह के 5:30 बज रहे हैं, तो चलते हैं वहाँ पर, टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। और देखते हैं अभी क्या क्या वहाँ पर तैयारियाँ होगी, तो मैं सब कवर करूँगा आप लोगों के लिए। तो गाइस चलते हैं। तो जनता फाइनली हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, तो देखते हैं ऊपर क्या तैयारी चल रही है। तो आपको भी लेके चलता हूँ, चलिए। ये है हमारे आशीष भाई। तो भाई आज कैसे मजा आने वाला है टूर्नामेंट में? आज आपको दिखाएंगे एक नया शौक। और जो हमारे साथ पाए हैं ये राहुल भाई, इनको बुलाया, आज हो जाएगा धूम धड़ाका। तो आज कितने बंदे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें? कम से कम इस पार्टी में, इस प्रतियोगिता में है 20-21 बंदे हमारे। ओके। और ये छत है जो रवि भाई, छत है रवि नागर की मंडावली में। तो हम आपको मिलवाते हैं भी रवि भैया से भी। अभी थोड़ा बिजी है, भाई कबूतर मोहर लग रही है, अभी मोहर लग रही है। मैं आपको मोहर भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। इस टूर्नामेंट के जज आ रहे हैं ऊपर। हेलो भैया, आज की जजमेंट ये करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम देविंदर। ओके। तो गाइस अभी तैयारी हो रही है। हाँ भैया आ रहा हूँ। ये मोहर लग रही है आज टूर्नामेंट में, इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया है। ये देखिए, तो गाइज ये कबूतर आज टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे जो फ्रंट पे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। Gentlemen, are you ready? तो गाइस ये कबूतर उड़ चुके हैं टूर्नामेंट में, ये भी टूर्नामेंट में गाइस। तो अभी हम चलते हैं नीचे। तो गाइस आपको ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, देखते हैं क्या होता है। भाई इनकी फुल सीरीगल पर ही कबूतरी जो रात रह गई थी वो आ गई, उसे बंद करवा दिए। बाकी इनके अभी सारे के सारे चल रहे हैं 12 के 12। और भाई ऑर्गेनाइजर कहाँ है? कोई भी भाई जवाब नहीं दे रहा बातों का। अभी मेरे यहाँ तो जज नहीं आया भाई, मोनू मंडावली जज नहीं आया जी कोई भी। तो गाइस ये आ गए अपने खिलाड़ी जो आज टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया जिन्होंने। ये देखिए इन पे कलर हो रखा है पूरा नेशनल फ्लैग वाला। तो भाई ये कलर जो आपने करा है इस पे, ये मतलब पहले ही होता है या बाद में होता है? भाई पहले करना पड़ता है, ट्रेनिंग नहीं पड़ती है, कलर की ट्रेनिंग होती है। तो छिड़ जाता है या रंग लगाने से पर चिपक जाते हैं, नहलाने पड़ते हैं। अच्छा, तो मतलब इनको आदत पड़ती है, पहले से कर देते हैं तो उनको मतलब पहले से मतलब उसमें हो जाता है तो आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाती है कबूतरों, उन्हें पता भी रहता है कि हमारा कलर इस तरीके से मिल के चलता है। ओके, और आप कुछ चीज़ शेयर करना चाहेंगे कबूतर के लिए? अभी ये जो उड़ रहे हैं क्या स्पीड है इनकी और किस तरीके से? नॉर्मल जैसा उड़ रहा है कबूतर बहुत अच्छा उड़ रहा है, जितनी पट्टी पे उड़ना चाहिए उतना ही उड़ रहा है और बढ़िया तरीके से उड़ रहा है, जैसा उड़ना चाहिए बना चाहिए। और तो आपके भी कबूतर है ना वैसे टूर्नामेंट में, 9 ब्लॉक में, इस टूर्नामेंट में, इसमें है टूर्नामेंट में, वो टूर्नामेंट में प्रेमपाल जी के नाम से है, 9 ब्लॉक एक्स्ट्रा ब्लॉक त्रिलोकपुरी में। अच्छा, और मैं यहाँ रवि भाई साहब जी के यहाँ मडावली में, ये भाई साहब के कबूतर उड़ रहे हैं और बहुत अच्छे कबूतर उड़ रहा है, जैसा कबूतर उड़ना चाहिए बना चाहिए। दिखता उड़ रहा है, ये नहीं कि दिखना बंद हो रहा है, आसमान में घुस रहा है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसा उड़ता है कबूतर। तो गाइस ये हमारे जज हैं, तो आज इनसे बहुत सारी नॉलेज लेने वाले हैं और आप लोगों को भी आज बहुत चीज़ें पता होने वाली है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ मैं भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर लूँ, तो मैं भी उड़ने तैयार हूँ। गजब बेइज्जती है। क्या नाम रखा मेरा? कल तो ये मेरे को मोहर लग गई है और मैं भी उड़ने के तैयार हूँ, मैंने भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर लिया। ठीक है, तो मैं सीधा बादलों में लेता हूँ आपको। भाई कर रहा हूँ बिलाल, कर रहा हूँ। ये अपने खिलाड़ी स्पीड में। तो गाइज ये है कबूतरों का दाना, देखिए कितना सारा है इसमें। इन्होंने बाजरा है और क्या है, ये चना है, बाजरा है, हरी मूंग की दाल है और वो भी है भाई क्या बोलते हैं इसे, काला काला क्या होता है वो, सरसों, सरसों भी है और मूंग की दाल भी है और हल्के हल्के बादाम के पीस भी हैं। हम आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में अगेन। यहाँ पे चलता है पूरा टूर्नामेंट का डिटेल जो भी होती रहती है। भाई टाइम और बता दे करो साथ के साथ, कितने बजे बैठा है भाई? ठीक है ना, ये बैठा शायद अभी होगा पर टाइम बता दो, बोल दोगे ना वीडियो में तो बाद में आसानी हो जाएगी। तो भाई एक कबूतर बैठ चुका है, देखने आसानी हो जाएगी। ये भाई वो हिसाब किताब है जो, ये देखो टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 जी। जिसकी वीडियो आती रहेगी टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वीडियो का आकर टिक लगता रहेगा। जैसे इस भाई की वीडियो नहीं आ रही है, सही बंदा है सतपाल भाई, इनकी वीडियो नहीं है। अगर इनकी 2 वीडियो और नहीं आई ना टाइम के हिसाब से, 9 की और 10 बजे की और 11 बजे की, तो मतलब हर टाइमिंग पे डिटेल आएगी। हाँ, एक वीडियो आएगी हर टाइम के साथ। अच्छा, ये हर बंदा सतपाल है ना, इनकी वीडियो नहीं आई इनका। अच्छा, 7 बजे की अपडेट इनके नहीं आई है। हाँ, 7 बजे की नहीं, 8 बजे की नहीं है और 9 और 10 की भी नहीं आई ना, तो ये बंदा कैंसिल हो जाएगा इस टूर्नामेंट में। अच्छा, ऐसे भी होता है, ये टूर्नामेंट में कैंसिल हो जाएगा, इसको कोई रिकॉर्ड नहीं जाएगा। अपडेट आनी जरूरी है, यानी अपडेट आनी जरूरी है। जिन भाई को अपडेट आ रही है टाइम पर रिकॉर्डिंग सब पैसे है। तो ये वाला जो अपडेट का जो सिस्टम है ये सिर्फ वहीं पे होता है जो ऑर्गेनाइजर होते हैं। हां, मतलब जो मतलब सीनियर होते हैं जिन्होंने टूर्नामेंट ये रखा गया है, ऑनेस्ट। हां, बढ़िया। तो कुछ सुनाइए अभी क्या क्या अपडेट आई है। मोनू भाई के 12 कबूतर मंडावली से उड़ रहे हैं। मोनू भाई की अपडेट आई है मंडावली से, पूरे 12 के 12 उड़ रहे हैं उनके। अच्छा, विकास भाई मंडावली से भाई 6 कबूतरों के दिख रहे हैं, 4 कबूतर इनके पट्टी पे गए हुए हैं, इनको 8 बजे का टाइम दे रखा है, 2 घंटे का। अच्छा, देखो अभी बंदे के ना 12 कबूतर उड़ रहे थे। अच्छा, इसमें 4 कबूतर गायब हैं इनके। अच्छा, अब उनको 4 कबूतर को टाइम दे दिया आधे घंटे का, अगर वो आधे घंटे तक कबूतर कैंसिल नज़र नहीं आएंगे ना तो वो कैंसिल हो जाएंगे टूर्नामेंट के, उसका 8 हो गए। तो मतलब वो 4 टूर्नामेंट में से कैंसिल, फिर 8 की अपडेट आएगी उसकी। हाँ, मतलब जो भी डिटेल ऐड होगी वो 8 की होगी। हाँ, तो सर ये जो कबूतर उड़ रहे हैं 12 टूर्नामेंट में 12 कबूतर सबके उड़े हैं। हाँ जी, तो अगर इनमें से अगर 1-2 नीचे आ जाता है तो वो टूर्नामेंट से बाहर है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब कैसे विनिंग प्राइस कैसे निकलता है? जो टोटल टाइम होगा ना, जो इनके घंटे बनेंगे उसी हिसाब से कबूतर उड़ेगा। पर 12 उड़ रहे हैं पर 11 का टाइम जुड़ेगा। अच्छा, और 11 7 बजे तक, 7 से पहले आना है, 7 बजे 7 से अगर 1 मिनट भी बाद में उतरेगा तो उसका मेहनत बेकार है। और अगर सबके साथ में 7 बजे उतरे तो फिर वो कैसे ले जाएगी ना, किसका समय घंटे मिनट का जोड़ा जाता ना। अच्छा, जिसके ज्यादा बनेंगे उसको मतलब जैसे कि किसी के 12 का उतर टाइम पे आ गए हाँ। और सबके किसी के 11 उतरे हैं 7 बजे, किसी के 3 उतरे 4 उतरे, उसका वो देखेंगे ना कितने मिनट से कितने सेकंड से कोई बंदा फालतू। अच्छा, जितने ज्यादा कबूतर 7 बजे उतरेंगे उतना विनर होगा हाँ, उसका विनर। 11 के 11 उतर गए तो वो तो विनर है ये भाई। अच्छा, आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताइए कि लाइक आपके पास कोई कबूतर ऐसा हो जिसको आपने बहुत टाइम से पाल रखा हो। कबूतर तो टाइम से क्या है, ये तो बदलते रहते, पहले देसी पाले हुए थे, अब ट्रेन है जो मद्रासी होगा ट्रेंड है। कुछ ऐसा भी होता है कि जो आपका फेवरेट हो गया भाई इसी टूर मेरा बहुत नहीं है, जो समय पे उड़ जाए वही फेवरेट है। अच्छा, वो फेवरेट है। फेवरेट को जिसको कहोगे वो बेकार हो जाएगा, वही साला पहले बैठता है। फेवरेट किसी को मत कहो, कबूतर उड़ने के बाद अपना नहीं है। तो ये 3 बार मतलब ये टूर्नामेंट 3 बार होगा, एक आज का है, हर हफ्ते उड़ेगा, हर हफ्ते मतलब 2 संडे और उड़ेगा, 4 संडे उड़ेगा, अगले हफ्ते अगले एतवार को, फिर उससे अगले एतवार को, फिर उससे, और फिर लास्ट में इसका विनिंग प्राइज होगा, जो भी विनर होगा, जो भी फिर एक प्राइज तो हर संडे विनिंग थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हर संडे। अच्छा, और फिर लास्ट डे पे एक पार्टी मतलब एक फंक्शन रखा जाएगा, ट्रॉफी वगैरह हर संडे। चलिए, जो जीतेगा भाई को ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। बहुत बढ़िया। तो गाइस, ये है हमारे आशीष भाई और ये है हमारे ऋषभ भाई। ऋषभ भाई है ना, मैंने गलत तो नहीं बोला ना, फर्स्ट टाइम मिलता हूँ ना, मैंने सही बोल दिया। तो भाई, आज का एक्सपीरियंस क्या है कि हमारी जो टीम है ना बहुत खतरनाक उड़ रही है और आई होप कि बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज का क्या एक्सपीरियंस आपसे, क्या कहना चाहते हो? कहना यही चाहते हैं भाई, अभी तो देखो ईश्वर की कृपा है, उड़ रहे हैं और आगे आपको और एंटरटेनमेंट देते रहेंगे। ये तो टूर्नामेंट चालू हुआ है, चालू हुआ है। अच्छा भैया, जैसे कि आपने मतलब अभी टूर्नामेंट से पहले इनकी जो तैयारी कराई है, तो उनकी डाइट वाइट का भी कुछ होता है? हाँ, डाइट तो नॉर्मल वही बादाम वादाम देते हैं, बादाम खाते हैं, बस बादाम देते हैं, किशमिश वगैरह भी, बादाम वादाम सभी नॉर्मल सबको पता है। और मैंने अभी वैसे डेली रूटीन में जो मैंने देखा, अभी बाजरे के अंदर आपने चना डाल रखा था, काली दाल, सरसों, तो इससे क्या मतलब कबूतर के अंदर जाना? हाँ, कबूतर तो फीड होती है, प्रोटीन चना हो गया, तो मतलब ये चीज़ हर कोई देता है या आप स्पेशली देते हो या सबका अलग अलग? तो सबको ऑलमोस्ट सबको ही पता है, सबको ही पता है, सभी देता है। कबूतरों की नस्ल होती है, नहीं जो नस्लदार होगा वो उड़ेगा। तो गाइस, चलते हैं अभी कमेंट्री बॉक्स में क्या अपडेट चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। महावीर भाई के 10 कबूतर चल रहे थे, 10 में से 1 कबूतर बाज ले गया है। आतिष भाई का व्यू चेक करते हैं। भाई, मेरे को देखने में तो आंखों में पानी आ रहा है मेरे तो देखा ही नहीं जा रहा। अब आए बिल्कुल नीचे पे बोला हमारा पट। तो अभी हमारा हो गया लंच, तो अभी हम लंच करते हैं, फिर देन उसके बाद आपको अपडेट देते हैं। आइए, हल्का हो जाता है ना। अच्छा, अभी लगभग 8 घंटे हो गए, 8.5 घंटे उड़ के हल्का हो जाएगा तो फिर जान कम हो जाती है। हवा हवा के साथ तैरना भी भाई। तुम्हारा एक कल्चर उड़ रहा था, वो कहाँ गया? भाई, टॉप 3 में किसके आ गए? टॉप 3 में भाई अभी मेरे हिसाब से 3 या 4 लोग हैं। 3 हमने कौन टॉप 3 में 12 तो मेरे अकेले थे जी, रवि नागर, फिर 11 एक जतिन है मंडावली से, फिर एक संतोष है थोड़ा से, इन सबके 11 है, बाकी एक सुमित भी है। टॉप 4 है जिनके 11 या 12 है, और अभी हमारे 12 वाले एक अंकित भाई, बाकी 12 मेरे अंकित। कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, क्या जल्दबाजी, कोई दिक्कत नहीं। भाई, आपके कबूतर टॉप 3 में आ गए और टॉप 3 में भी 12 हमारे हैं, बाकी किसी के 9, किसी के 10 है। तो कैसा फील है? इतनी खुशी मुझे आज तक। भाई साहब की एक कबूतरी बैठ गई, 2 संताली, पहली कबूतरी बैठ गई 12 में से। 11 कबूतर ऊपर एक कबूतर भाई है ना 328 उनको जा रहे कैप्टन बैठ गया था कैप्टन बैठ गया हां बैठ गया खिले खिले बोला मार ये रवि भाई के कबूतर है 10 कबूतर हैं 2 बैठ गए हैं 10 का उधर चल रहा है एक और बैठेगा अभी भाई गए पूरी और सवाल पूरे 9 के 9 का उधर है देखो ये रवि भाई को 9 के 9 का उधर ये रवि देखो ये रे सारे के सारे इनका एक कबूतर है कैप्टन नाम का और वो कैप्टन ने धोखा दे दिया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कैप्टन नाम कैसे पड़ा तुम्हारे कबूतर का? कैप्टन भाई 2 साल पहले जब ये मतलब बच्चा था ना तो बच्चों में सबसे पहले जो उड़ना इसी ने मतलब सीखा और सबसे अच्छा यही उड़ने लगा और सबको सिखाया भी इसने इसी के पीछे पीछे और कबूतर इसी से कैप्टन नाम पड़ा इसका नाम तो बाद में टुकड़ी चला था इसके आगे चलता टुकड़ी का आगे चल चलता था ये जहाँ ये चलती थी वहीं टुकड़ी चलती थी पीछे पीछे और सबसे काम कैप्टन पड़ गया था। और 2020 में मतलब कंपटीशन में सुबह 6 बजे उड़ के शाम को 6:15 बजे बैठा हुआ भी बहुत बढ़िया तो इसलिए इसका नाम भाई कैप्टन मैंने तभी रख दिया था तो जब से अब तक इसका नाम कैप्टन है। तो देख लीजिए कितने लंबे लंबे एक्सपीरियंस के खिलाड़ी हैं इनके पास बच्चे भी होंगे भाई ये जोड़ा मैंने डाला अभी तो कुवारा है इसे भी छड़ा ही रखा है इन्होंने अभी सिंगल ही है ना ये कुवारा है अगर प्यार मोहब्बत पड़ेगा तो खराब हो जाएगा ये। तो भाई मैं जिस कंपटीशन में जाता हूँ ना हर पार्टिसिपेंट को जिताता हूँ तो कंपटीशन जिता दिया है मैंने। तो गाइस अभी टॉप लिस्ट में हमारा नाम आ चुका है हम अभी चल रहे हैं बस 2 टॉप 2 में आ चुके हैं हम 2 बंदे रह चुके हैं देखते हैं अब क्या होता है। तो भाई ये सब लोग बैठे हुए हैं हैप्पी एंडिंग के लिए फाइनली टूर्नामेंट फिनिश होने वाला है कुछ ही देर में 1.5 घंटे में देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो गाइस ये हमारा एक कबूतर बैठ चुका है तो गाइस कैलकुलेट होने के बाद कबूतर खोले जाएंगे ताकि उनको बुलाया जाए नीचे टाइम टेबल के हिसाब से जो कंपटीशन का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग। आपने क्या बना रखी थी भेज दी अभी एक बना लास्ट के बना 77 है ना 11 घंटे 77 हो गए जाएंगे अच्छा हमको सिखा रही है ठीक है भाई 40 वो हो गए 120 घंटे वैसे हो गए लो हाँ तो वैसे ही हो गए 84 घंटे 84 बैठेंगे तो भाई जीत तो तुम वैसे ही गए अरे यार बस ये कि हम उनसे आगे ना फिर रात को एक आध ऐसे कबूतर खोल ले कबूतर खोल रहे भाई हमें देखो ले रहे हैं अब इन्हें उतारा जाएगा तय खोलने का मतलब अपने कबूतर टाइम से आ जाए ओवर ना हो तो कितने बजे तक उतरने चाहिए 7 बजे तक लास्ट का टाइम है 7 बजे तक का 7 से अगर 1 मिनट भी ऊपर आएंगे तो कैंसिल बेकार हो जाएगा तो इसी मारे खोल दिए वो तो अपने साहिवान का बना हुआ है ना कि कब चल रहे हैं जब ईद में चल रहे हैं तब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उतरा कबूतर। चलो आने वाले हैं विनिंग कबूतर ये सारे पट्टे इन्होंने बहुत मेहनत करी है इस कंपटीशन में। एक कबूतरी बैठ चुकी है ये आ गई अभी और भी आने वाले हैं कौन सी कबूतरी है सर ये आ चुकी है इसका टाइम नोट हो रहा है 549 कबूतरी है इसका टाइम नोट कर रहा है एक्सपीरियंस होल्डर, मैं बताऊं आपको, इन्होंने बोला दाना फेंकने से कबूतर नीचे आएगा और कोशिश पूरी है। पर एक आदमी नीचे आ जाना, पर ऐसे ही नहीं खरीदा, कह देते हैं उस्ताद। तो गाइस पट्टे बैठने वाले हैं, ये बैठ गए दो, ये बैठ गए तीन, चार हो गए वापस, तो आ जाएंगे सारे। ये चार रह गए हैं बस, बस भगवान बिठा दे। एक और बैठा, वेरी गुड। चार बचे हैं, दो रह गए, सब उधर के दो रह गए, अभी तीन बचे हैं। गाइस एक रह गया, एक रह गया, लास्ट लास्ट दो और बैठ गए भाई साहब, ठीक है, तीसरा लास्ट वाला ही बैठने वाला है, एक करके मनाने। तो गाइस फाइनली बस एक और रह गया है बिनिंग के लिए, आई होप कि जल्दी बैठ जाए। भाई की आवाज़ पे कबूतर आते हैं, भाई आवाज़ मारो ना, गाइस ये लास्ट कबूतर रह गया और ये जीतने वाले हैं बस कॉम्पिटिशन को, और ये बैठ गया, ये बैठ गया। तो गाइस फाइनली जीत चुके हैं हम, कांग्रेचुलेशन भाई। भाई पकड़ना जरा। तो फाइनली हम ये कॉम्पिटिशन जीत चुके हैं गाइस, मजा आ गया। देखो गाइस हैप्पी एंडिंग कैसी होती है, ये होती है। आशीष भाई कैसा लग रहा है? गजब गजब, मेरा आने का फायदा हुआ या नहीं हुआ? हमारे लिए तो फाइनल काउंटिंग हो चुकी है, और भाई सुबह से टेंशन में थे। भाई हैप्पी स्मेल कर दो भाई, अरे हैप्पी स्मेल का यार बेटा, भाई कबूतरों की और भाई सबका सहयोग, बस निकल लो बेटा, बैठ गया फाइनल कबूतर, बैठ गया इनका भी 6-14। भाई पूरी टीम को मुबारकबाद, ठीक है ना। तो ये हमारे जज हैं, तो कैसा लगा आज का टूर्नामेंट आपको? बढ़िया लगा, देखो जब आदमी बढ़िया है, आदमी के पास आएगा तो बढ़िया ही लगेगा। तो आपने भी आज पूरी मेहनत करी, और भैया की तो बहुत ही मेहनत है, इनकी तो मेहनत है, पूरी टीम की मेहनत, पूरी टीम की मेहनत है। तो भाई मैं टीम में हूँ या नहीं हूँ? तो मेरे आने से कैसा लगा आपको आज मेरे साथ रह के? भाई बढ़िया है, आप आए, शायद आप ही लकी हो हमारे लिए। थैंक यू सो मच भाई। देखो शोभा की बात है, जब आदमी मेहनत करता है तो देखो उसको कमाई मिले तो और बढ़िया लगता है। बिल्कुल भाई, बाकी देविंदर भाई सुबह से आए, बड़ी फेयर जजमेंट करी, बिल्कुल बहुत, जब कबूतरों दिखाने को बोला उन्होंने, ऐसा नहीं कि भाई कबूतर गायब होके तो बोला, दिखाने के लिए बोला, पर भगवान की दुआ से गायब हुए नहीं इतने लंबे, इनको टाइम देना नहीं। मैं इनके साथ था, बहुत फेयर जजिंग थी, और आदत के ही बहुत अच्छे हैं। तो अभी चल रहा है क्लोजिंग टाइम, हैप्पी एंडिंग होने वाली है। तो गाइज मैं आपको मिलाता हूँ, जो हमारे जितने भी टीम, हाँ जो आज के चैंपियन हैं उनको दिखाता हूँ कितनी मेहनत करके आए हैं, वो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी दिखाता हूँ। तो गाइज ये वो कबूतर है जो आज के टूर्नामेंट में विनिंग हुए हैं, और ये वाला जो कबूतर है इसकी वजह से पूरी टीम आज जीती है। तो देख लो कितनी मेहनत करके यहाँ पे आए हैं, और ये सारे कबूतर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखो, ये सारे मेहनती कबूतर, आज इन्होंने टूर्नामेंट जीता है, और इस भाई ने, इस पट्टे ने जीता है आज सबको। तो चलिए गाइज, भाई देविंदर भाई को ईमानदारी से जजमेंट करने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक भाई, इसकी बहुत मेहनत है भाई, इस लौंडे की। ये भाई इसके तो डोंगे पे बैठा कबूतर। चांद निकले तुम हमारे, अबे भाई ये टीम के आदमी है, बहुत मेहनत करी है सब लोगों ने, बहुत मेहनत की है। गुड्डू का है मतलब टीम वर्क बहुत अच्छा है इन लोगों का। भाई मंडावली से रवि नागर जी भाई साहब, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बस मैं अब जो और भी मेरे यहाँ के आस पड़ोस के लिए उनको भी शेयर करूंगा कैसे करी जाती है। बड़ी मेहनत का काम है कबूतरबाजी भाई, अकेले आदमी का काम नहीं है। इन्होंने बहुत चीजें शेयर करी लेकिन वो नहीं बताऊंगा, अंदर की बातें जो है। तो गाइस आपने भी देखा हमारा सेलिब्रेशन हो चुका है और आज का टूर्नामेंट बहुत सक्सेसफुल रहा और भाई लोगों ने इतनी मेहनत की, मजा ही आ गया। तो इसलिए हम बोलते हैं हेलो जनता, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है बनता।